पता है कि इसका नाम गिद्ध है? हेलो गिद्ध। वहाँ पे है शेर जो कि आराम कर रहा है, सोया हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो दोस्तों, नक्षत्रशाला घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर। गोरखपुर चिड़ियाघर बहुत फेमस है और शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम से है चिड़ियाघर, तो वहीं पे हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं। चिड़ियाघर में देखते हैं कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। वैसे चिड़ियाघर तो मैं गया हूँ, चलिए आपको भी एक बार घुमा देता हूँ। चिड़ियाघर पहुँच गए हैं और ये है चिड़ियाघर का गेट। अभी अंदर असली जिराफ नहीं है ना, से घुसते ही एक टोकन मिल रहा है, हम लोग को टोकन 50 रुपये गाड़ी पार्किंग करने का, पार्क में लगाने का 50 रुपये है। तो दोस्तों, हम लोग चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। तो ये है चिड़ियाघर शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे। पुरुष महिला वाला किधर है? दोनों तरफ पुरुष है। अच्छा, महिला का बस एक ही काउंटर है। टिकट फेयर है, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए फ्री है, 6 से 12 साल के लिए 25 रुपया, 12 से above 50 रुपये फीस पर पर्सन टिकट है। यहाँ पे टिकट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये है पूरा चिड़ियाघर का लेआउट जो यहाँ पे दिखा रहा है। पूरा चिड़ियाघर का ये लेआउट है कि कैसे जाना है, किधर से रास्ता है। ये नेशनल हाईवे भी दिया हुआ है। ये रोड जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है, इसी रोड से हम लोग आए हैं ऐसे एंटर होते। ये हमारा नौका विहार छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है। तो चिड़ियाघर स्टार्ट होता है यहाँ से, ये जो दिख रहा है यहाँ से पूरा चिड़ियाघर स्टार्ट है, पूरा पीछे तक है। देखते हैं कहाँ कितना दूर है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास भारतीय मोर। यहाँ पे मोर और यहाँ पे एक चेतावनी है, रेलिंग को फाद कर अंदर जाना सख्त मना है, 2000 का जुर्माना लगेगा। तो वहाँ पे है मोर, देख सकते हैं वहाँ पे मोर है। इतनी तेज धूप है यहाँ पे, चाह रहा था छाता लेके आना चाहिए था यार, इतना तेज धूप है। कुत्ता मदन और तोता वहाँ बैठे हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे कॉकटेल, ये भी एक चिड़िया ही है। फिर यहाँ पे मस्करी डक, बत्तख, उसका मुँह काफ़ी गंदा लग रहा है। और यहाँ पे है देसी तोता, देसी तोता तो आपने देखा ही होगा, हरा हरा तोता। मिट्टू, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी। मिट्टू घर का रहता तब तो मिट्टू बोलता। और ये है लव बर्ड्स, ऊपर लव बर्ड्स हैं सब, लव बर्ड्स अलग अलग कलर के हैं। और ये है यहाँ पे बजरीघर चिड़िया जो कि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब चिड़ियों का कलेक्शन है। जैसे ही आप फर्स्ट अंदर आएंगे करेंगे तो आपको ज़्यादातर चिड़िया ही देखने को मिलेगा, चिड़िया तोता मदन ऐसे करके देखने को मिलेगा। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, इधर तो पूरे चिड़िया ही का है, चिड़िया का जगह। भालू, इतने देर बाद तो एक जानवर देखने को मिला, वो ही बेचारा गर्मी के मारे अंदर सोया हुआ है। इतनी तेज धूप है कि कोई जानवर बाहर नहीं आ रहा है और हम लोग जानवर की तरह घूम रहे हैं इसमें। अरे तो ये कुछ तो यहीं पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे है बारहसिंगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यह है बारहसिंगा, आराम से बैठा हुआ है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। उसका सिंग कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा सिंग है उसका। तो दोस्तों, ये है पाड़ा, अगर आपने पाड़ा नहीं देखा तो देख लीजिए। इसका हॉग डियर बोलते हैं इसको, ये भी एक तरीके का हिरन ही है लेकिन इसका जो सिंह है काफ़ी। यहाँ पे है हिमालयन गिद्ध जो कि ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता है कि इसका नाम गिद्ध है? हेलो गिद्ध, हेलो हिमालयन गिद्ध। ये है टाइगर जो अंदर है, वो
भी गर्मी से बेचारा हाँफ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पे शेर जो कि आराम कर रहा है, सोया हुआ है, काफ़ी गर्मी है इसकी वजह से लग रहा है सोया हुआ है। वहाँ पे अभी सभी जानवर लग रहा है सोए हुए हैं, कोई बाहर नहीं दिख रहा है हम लोग के अलावा। ये ठीक है, पैदल चलने से अच्छा है कि कितने रुपए भाड़ा है इसका भाई? क्या कितना रेंट है? 20 रुपए एक लोग। पूरा चक्कर? हाँ। पूरा चक्कर का 20 रुपए? हाँ। और रोकते भी हैं कि डायरेक्टली लेके चलते ही हैं? दिखाते भी हैं। तो बढ़िया है भैया, पैदल चलने से अच्छा है कि 20 रुपए का ये भाड़ा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इसमें बैठ के आराम से घूम सकते हैं। पैदल चल के हम लोग पागल हो गए, लेकिन सही है। तो इसका 20 रुपये रेंट है, 20 रुपये भाड़ा है। अगर आप आते हैं चिड़ियाघर में तो इसको अगर आप इसमें बैठ के अगर जाते हैं तो 20 रुपये आपका लगेगा पर पर्सन। और ये हर जगह रोक के दिखाते हुए भी चलते हैं। फूटा मत, इसका मुंह कितना बड़ा है। दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं देखने को, क्योंकि तो यहाँ पर दरियाई घोड़ा नहीं है कोई। पिछली बार मैं आया तो मुझे दरियाई घोड़ा देखने को मिला था। सर चकरा जाएगा, मैं तो पूरा काला हो गया यार। ये है थोड़ा आराम करने वाला एरिया, ये बनाया गया है। हवा चल रहा है, हवा चल रहा है बहुत अच्छा। अरे मगरा, मगरमच्छ पता नहीं ओरिजिनल है कि नकली, हिल भी नहीं रहा काफी देर से। मुझे तो नकली लग रहा है यार, असली है थोड़ा, कहीं हिल नहीं रहा, हिलना चाहिए। दोस्तों ये है सांप घर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सांप देखने को मिलता है। यहाँ पे सांप की कई बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। रसेल्स वाइपर यहाँ पे है, वो सांप देख सकते हैं। ये किनारे बैठी हुई है यहाँ भारतीय अजगर, जो कि देख सकते हैं सोया हुआ है। अरे ये सब सो रहे हैं, सब दिन के टाइम में सब सोते हैं, सब रात में निकलते हैं सब। सांप घर के बाद ये है तितली घर, बटरफ्लाई हाउस। अगर आप खड़े होकर यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं तो आप भी पूरा बटरफ्लाई लगेंगे। तितली घर के बाद यहाँ पे है मछली घर, तो हम लोग जाएंगे मछली घर में। चिड़ियाघर तो हम लोग घूम लिए हैं, अब चलते हैं कुछ खाते हैं। चलिए भैया चलते हैं।
थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाता तो हम लोग अच्छे से घूम लेते हैं, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है तो कैसे घूमें आप। यह है ODOP दुकान, यहाँ से एग्जिट हुआ जाता है चिड़ियाघर से बाहर जाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे टोपियाँ लगी हुई, लेडीज बैग, महाराजगंज की दुकान में राष्ट्रीय बांस मिशन, यहाँ पे पूरा बांस का बनाया गया, बांस का बना दिए पूरा, ये बांस का कलाकारी, बांस का पूरा इन्होंने बनाया है। ये जो कप है वो भी बांस का है। कितने का भी है ये? 50। ये बूट भी है, ये भी पूरा बांस, बांस को काट के बनाया गया। ये पगड़ी है क्या है ये? नहीं, डोलची ऐसा लग रहा है, डोलची है कुछ रखने के लिए। ये क्या भैया? मोबाइल रखने के लिए, पेन रखने के लिए। अच्छा अच्छा, ऐसे मोबाइल, ऐसे भाई आप लोग मोबाइल भी रख सकते हैं और यहाँ पे अपना पेन वगैरह रख सकते हैं, ये डेस्क पे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर लेना है आपको यहाँ से, अगर बांस का बना हुआ चीज़ें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छे दाम में। ये हैं भैया यहाँ पे जो सेल करते हैं, और एक ये हैं भैया। लगभग कितने रुपए से स्टार्ट है भैया? 50 रुपए से स्टार्ट है। 50 रुपए से स्टार्ट है। और 50 रुपए का है क्या चीज़ यहाँ पे? कप है, 50 रुपए का है। चिड़ियाघर छोड़ के जा रहे हैं, ये एग्जिट रास्ता, और ये मुझे कप पसंद आया इसलिए मैंने कप ले लिया। ये 50 रुपीज़ का कप था, तो बाकी वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं, कहीं और चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। धूप तो बहुत तेज़ है।